नेक्स्ट क्वेश्चन है साडा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉट असी सर्कल करांगे जां अंडरलाइन करांगे स्ट्रेटजी नाल नाल सीखनी है द बेनिफिट नॉट बेनिफिट मतलब नुकसान है ऑफ इंटीग्रेटिंग स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग इनटू करिकुलम ठीक है करिकुलम इज नॉट सिलेबस एक गल याद रखनी है करिकुलम विच टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इवेल्युएशन स्ट्रेटजीज सब कुछ आ जाता है सिलेबस विच जस्ट कंटेंट है जेड़ा असी पढ़ना है विद्यार्थी केंद्र शिक्षा प्राप्ति नू पाठ्यक्रम नाल जोड़न दा केड़ा लाभ नहीं है मैं थोड़ा जा टाइम लवांगा लगता है तुहानू फिर वीडियो लंबियां हुंदियां हन एक क्वेश्चन नू बहुत इलैबोरेट किया जाता है पर एक क्वेश्चन विच बहुत ज्यादा नैक्सट क्वेश्चन दी ते तुहाडी अंडरस्टैंडिंग जो वध हो सकती है उसकी आस छुपी हुंदी है मेरे ख्याल च असी युगा युगांतरा तो पढ़ाते आ रहे हैं वड्डा शब्द वरत लिया मैं कि विद्यार्थी केंद्रित सिक्ख्या की हुंदी है आओ एक दो सीन पहला ये समझ लीए कि साडी सिक्ख्या की विद्यार्थी केंद्रित है असि की करते हाँ साडे एक ब्लैक बोर्ड हुंदा है टीचर उहदे अगे खड़ा हुंदा है साडे जो स्टूडेंट है इस तरह बैठे हुंदे हन ते उह बोर्ड दे नाल जां उह बोल के स्टूडेंट्स नू नॉलेज प्रोवाइड करता है जां इह विजुअल मैथड हो गया इह ऑडिटरी मैथड हो गया ठीक है सो मोस्टली वन वे प्रोसेस है ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਬੀ ਐਡ ਡੀ ਐਲ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਘੜੀ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਕਦੇ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਦੇ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਰ ਬਸ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰਿੰਗਨੈਸ ਹੈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਉਸ ਸਿਰਫ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਟੀਚਰ ਨੇ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਲਗਾਏ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਸ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਥਾਂ ਆ ਕੇ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ओके टीचर ऑब्जर्व करता है इधर भी ऑब्जर्व करता है थोड़ा बहुत हिंट दिंदा है इशारे दिंदा है ताकि सही पासे वल सोचा जा सके ए वाली जो लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है इधर एक सीन देख लो थानू कोई भी टीचिंग एप्टीट्यूड का कोई क्वेश्चन आंदा है मैथ्स विच साइंस विच सोशल साइंस विच लैंग्वेज विच दस दस पंद्रह पंद्रह क्वेश्चन आने हैं वो कितना इजीली सॉल्व हो सकते हैं वो कितना इजीली सॉल्व हो सकते हैं ये देखो हम जो बच्चे है उनकी सेटिंग किस तरह है कोई बैठा है कोई लेट के इस तरह काम कर रहा है टीचर ऑब्जर्व कर रही है ठीक बच्चे ये देखने हैं कि बच्चे एक्टिव हैं कि साड़ी क्लासरूम विच बच्चे एक्टिव हैं ठीक उनकी स्ट्रक्चर जो किस तरह है क्लासरूम की बच्चे दा नाल बिहेवियर किस तरह है तुसी हुणे देखा शोल्डर नूं टच कीता है कि आ हुण देखो तुसी बच्चे मिल के काम कर रहे हैं दूसरी तरफ देख रहे हो कि बच्चे फिजिकल मूवमेंट भी है कि उन्हां दा आपस विच गल करन दा तरीका जां रिलेशनशिप जां सोशल स्किल जो है इस तरह डिवेलप नहीं होणगियां वो अपने विचार खुल के व्यक्त करते हैं जो टीचर है वो सीधा कंटेंट नॉलेज दस दिंदा है कि यह नाउन दी नाम की परिभाषा है तो यह उसकी एग्जाम्पल हैं कि उन्हां नूं सोचण दी काम करन दी कोई एक्टिविटी दित्ती गई है कि नहीं एक्टिविटी ते उह काम करदे हन जदों उन्हां नूं कोई रुकावट आउंदी है टीचर थोड़ी जी हैल्प करदा है हैल्प भी किस रूप च हुंदी है क्वेश्चन रूप च हुंदी है तुसीं बच्चियां दी एक्टिविटी नूं याद रख लो ते जदों भी तुसीं ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਐਮ ਸੀ ਕਿਊ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਂਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੀਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸਦਾ ਆਂਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੀ ਸਟਰੈਂਥਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜ ਬੈਸਟ ਸਕੂਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਚੈਲੰਜ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੈਸਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸੈਟਿੰਗ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੱਛਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣੇ ਹਨ
कोई बच्चा गलती करता है दूसरे बच्चे नूं दस्या जांदा है कि यार तू इत्थे आ गलती कीती है यार इहनूं इदां ना कर लईए सुजैशन दिंदे हन इह करन दा तरीका बैटर होएगा इक दूसरे नाल हर तरह उस तरह विचरे जांदा है जिस तरह असीं परिवार विच विचरदे हां ते रिलेटिवली इनफॉर्मल अरस्मी वातावरण क्लासरूम दा बन जांदा है इसलिए नूं कहिंदे हन स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हुण देखो कि मोटिवेशन इस नाल नहीं बनती कि प्रमोट पीयर कम्युनिकेशन किहदे विच है देखो सीन तो तुसी सीधा अंदाजा लगा सकते हो बिल्ड स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप जो बच्चे दे इस तरह शाबाश दे के गए उन्हां दे कोल आके इस तरह बैठ जाया जांदा है राउंड लगाया जांदा है दूसरी तरफ टीचर इत्थे एक एक ही पोजीशन विच लगभग इत्थे ही खड़ा रहिंदा है साडे सिस्टम विच ठीक है तो बच्चे ही इत्थे फिक्स हुंदे हन उंगड़ाइयां लैंदे हन आई 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 इन्ना भी हिलना कई बारी तां इदां भी होया है कि बच्चा अपने पोजीशन नूं चेंज करदा है तो उत्तों डांट पै जांदी है कि हिलना नहीं है किधर ध्यान है ध्यान नूं जबरदस्ती केंद्रित करन लई कहा जांदा है ठीक तो देखो कि स्टूडेंट सेंटर बेशक साडा पिछला नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जेकर उसका कोई क्वेश्चन आता है तो इसे इन्हें याद कर लो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जे कोई उस इस तरह का स्टूडेंट सेंटर एजुकेशन जा किस तरह का असी इंडिया अखरां विच सिरजिया होया थ्योरी विच सिरजिया होया है इवन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 विच भी इस तरह दी गल्लां कीतियां सी और गल्लां फिर रिपीट होंगियां फिर हुण नेशनल पॉलिसी विच भी वैगोस्की प्याजे ब्रूनर जॉन डेवी दी गल्लां होंगियां कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग दी स्टूडेंट सेंटर लर्निंग दी गल्लां होंगियां लेकिन प्रैक्टिस विच की साडा इंडिया इस तरह बन जाएगा तुहानूं क्वेश्चन भी पुछे जाणगे तुहानूं तुसीं इन्ने किताबां तो टीचर्स तो यूट्यूब तो इन्नी तैयारी भी कर ली होएगी राइट आंसर भी शायद ला दोगे मैनूं उस नाल लैणा देणा नहीं है मैनूं इस नाल लैणा देणा है कि असी 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 इस तरह दा इस तरह दा इस तरह दा मैनूं इस नाल लैणा देणा है कि की असी इस तरह दा इंडिया दा क्लासरूम सिरज सकदे हां कि नहीं हां तुहानूं इह ईजी है दसना कि जो क्वेश्चन पुछा जांदा है ते इहदे विचों कढ के जवाब दे दो लेकिन मेरा दुख इह नहीं है मेरा दुख इह है कि साडा इह साडे बच्चे इन्ने खुश क्यों नहीं है साडे बच्चे क्लास च दुखी क्यों है साडे बच्चे इह क्यों सोचदे हैं कि मैं क्लासरूम तों कदों भज्जां साडा बच्चा इह क्यों कह रहा मैं स्कूल नहीं जाना साडा बच्चा होमवर्क क्यों नहीं करदा क्योंकि असी फंडामेंटल थ्योरीज नूं अपलाई नहीं कर सके फंडामेंटल थ्योरी दी एप्लीकेशन ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਬਿਲਡ ਸੋ ਦੇਖੋ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਲਾਸਰੂਮ ਮੈਨੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੈਂਟਰਡ ਲਰਨ ਜਿਹੜਾ ਟਾਪਿਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੈਂਟਰਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੈਥਡ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕੋਪਰੇਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬੇਸਡ ਲਰਨਿੰਗ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੇਸਡ ਲਰਨਿੰਗ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੇਸਡ ਲਰਨਿੰਗ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫਾਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੈਂਟਰਡ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਔਰ ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫਾਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੈਂਟਰਡ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰੋ ਕੋਪਰੇਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਗਸਾ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਕੋਪਰੇਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਜਿਗਸਾ ਕਿਹੜਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬੇਸਡ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੇਸਡ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੇਸਡ ਹੈ ਡਿਸਕਵਰੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ ਠੀਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਡਕਟਿਵ ਮੈਥਡ ਜਿੰਨੇ ਹੈ ਕੈਮ ਹੈ ਕਨਸੈਪਟ ਅਟੇਨਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਹੈ ਓਕੇ ਕੇਸ ਬੇਸਡ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੇਸਡ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਆਈ ਵਾਂਟ ਚੇਂਜ ਕਿ ਉਹ ਚੇਂਜ ਆਵੇ ਠੀਕ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ 8-10 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੈਂਟਰਡ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਟਾਪਿਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਓਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਹੈ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੈਂਟਰਡ ਕਲਾਸਰੂਮ ਹੈ ਇਹ ਟੀਚਰ ਸੈਂਟਰਡ ਕਲਾਸਰੂਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਰਨਿੰਗ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਲਰਨਰ ਸੈਂਟਰਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਟੀਚਰ ਸੈਂਟਰਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ
नॉलेज शेयर केदे विच ज्यादा हुंदी है ते नॉलेज गिवन केदे विच है नॉलेज फ्लैक्सीबल केदे विच है एनवायरमेंट फ्लैक्सीबल केदे विच है ते रिजिड केदे विच है साडे क्लासरूम हमेशा रिजिड रहे हन ठीक मेथड दा डिफरेंस केदे विच है साडे एक मेथड ही वन वे प्रोसेस टीचर बोल रहा है जां लिख रहा है मोस्टली 90% ट्रांसमिशन ही हुंदी है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन स्टूडेंट सेंटर च है या लर्नर सेंटर च है साडे एक्सट्रिंसिक बाहरों प्रेशर हुंदा है पनिशमेंट मिलेगी या रिवार्ड मिलेगा लेकिन उत्थे बच्चा खुद खुद लगा होया है काम करण लर्निंग सोशल किथे है कोऑपरेटिव लर्निंग विच सोशल है साडे इंडिविजुअल है असैसमेंट डिफरेंस ही है ये देखो इथे एक बच्चा दूसरे बच्चे नु भी असैस कर रहा है ठीक है पीयर असैसमेंट इथे टीचर भी असैस कर रहा है और टीचर दी असैसमेंट थ्रेटनिंग नहीं है चिंता वाली नहीं है धमकी वाली नहीं है टेंशन देने वाली नहीं है दूसरे पासे बच्चा खुद नु भी असैस कर रहा मल्टीपल असैसमेंट टेक्निक्स हन जिथे इस दे ओल्ड साडे क्लासरूम विच सिर्फ सिर्फ ते सिर्फ टीचर असैस करेगा तुसी पेपर दोगे ठीक है ते टीचर उसनु असैस करेगा।